स्टार्ट करता हूँ मैं आज की क्लास। तो आई थिंक हम लोगों की जो क्लास हो चुकी है 16 से 17 क्लासेस हो चुकी हैं, और 16 से 17 क्लासेस में हम लोगों ने अगर गौर करें तो हम लोगों ने जो चीज़ फोकस की है एजोर कुबरनेटिस के ऊपर, वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल को कर रहे थे, राइट? लाइक क्लस्टर कैसे मैनेज करना है, ऑटो स्केलिंग कैसे होगी, उसकी हाई अवेलेबिलिटी कैसी होगी, ड्यूरेबिलिटी कैसे प्लानिंग करनी है, क्लस्टर कैसे क्रिएट करना है, कमांड लाइन से कैसे क्रिएट करना है, ग्राफिकल्स कैसे क्रिएट करना है, कोई क्लस्टर डाउन होगा तो ऑटोमेटिक कैसे क्रिएट हो जाएगा उस क्लस्टर के अंदर के नोड, ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है? अभी और भी आगे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे स्टोरेज इंटीग्रेशन हो गई, लोड बैलेंसर इंटीग्रेशन हो गई, राइट? और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं सोच रहा था कि बीच में थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं, है ना? फिर बाद में देखेंगे क्लस्टर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो टॉपिक्स बचे हैं। तो आज मैं बेसिकली प्लान करके आया हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें बताऊँ, जो कुबरनेटिस के डेली बेसिस का जो जॉब होता है, क्योंकि क्लस्टर मैनेजमेंट तो डेली बेसिस का जॉब नहीं है ना, वन टाइम का काम है, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों से बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, राइट? तो कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जाएगी, उसके अंदर एप्लीकेशन की हाई अवेलेबिलिटी किस तरीके से सेटअप करोगे। तो इतना समझ लो कुबरनेटिस के अंदर आज का जो टॉपिक है, चाहे वो एजूर कुबरनेटिस हो, चाहे गूगल कुबरनेटिस हो, चाहे एडब्ल्यूएस कुबरनेटिस हो, चाहे ऑन प्रेमिसेस कुबरनेटिस हो, सबके लिए सिमिलर है, क्योंकि हम लोग आज बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर लेवल की, नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, ठीक है? तो सबसे स्मॉल यूनिट कुबरनेटिस में जो होती है उसका नाम है पीओटी पॉड। क्या होती है सबसे स्मॉल यूनिट, क्या होती है पीओटी पॉड? सबसे स्मॉल क्या बनता है आपका, पॉड, क्या पॉड, पीओडी पॉड, और अगर मैं आपसे बात करूं पॉड इक्वल टू, अगर मैं आपको ये बताऊं पॉड इज इक्वल टू कंप्यूटर, कोई गलत बात नहीं। अगर मैं बात करूं पॉड इक्वल टू वीएम, कोई गलत बात नहीं बोल रहा। अगर मैं बात करूं पॉड इक्वल टू ईसी टू, कोई गलत बात, ठीक है? तो पॉड जस्ट लाइक कंप्यूटर, पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई। तो पॉड के अंदर एक थर्ड पार्टी यूनिट चल रही होती है, कंटेनर, क्या कंटेनर, पॉड के अंदर कंटेनर होता है, और आपको पता है मल्टीपल कंटेनर आपने, क्या रखते हैं हम कंटेनर, और पॉड के ऊपर क्या होता है, पॉड के ऊपर होता है सर आपका रेप्लिका सेट, क्या होता है पॉड के ऊपर आपका होता है रेप्लिका सेट, राइट? पॉड के ऊपर होता है आपका रेप्लिका सेट, और रेप्लिका सेट के ऊपर क्या होता है, रेप्लिका सेट के ऊपर होता है आपका डिप्लॉय, और डिप्लॉयमेंट के ऊपर आपका होता है क्या, क्लस्टर आई, डिप्लॉयमेंट के ऊपर होता है आपका क्या, क्लस्टर आई,
और आपका क्लस्टर आईपी के ऊपर होता है। नोड पोर्ट, और नोड पोर्ट के ऊपर होता है आपका। इंग्रेस कंट्रोलर, इंग्रेस कंट्रोलर ले लो या लोड बैलेंसर, दोनों में अभी डिफरेंस क्लियर करते हैं। ठीक है, क्या होता है लोड बैलेंसर? फिर उसके ऊपर होता है आपका इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस कंट्रोलर, ठीक है। अब देखो, आपका नोड पोर्ट यहां पे ना ऑप्शनल है, ये जो लोड बैलेंसर है ये भी आपका ऑप्शनल है। किस कंडीशन में ऑप्शनल है और किस कंडीशन में मैंडेटरी है, अभी दोनों बताते। अगर मान लो आप इंग्रेस कंट्रोलर को यूज कर रहे हो, तो फिर ये लोड बैलेंसर आप हटा दो, ये नोड पोर्ट आप हटा दो, फिर डायरेक्ट आपके क्लस्टर आईपी के ऊपर इंग्रेस कंट्रोलर आएगा। लेकिन अगर आप इंग्रेस कंट्रोलर नहीं यूज कर रहे हो, तो फिर क्लस्टर आईपी के ऊपर नोड पोर्ट आएगा, नोड पोर्ट के ऊपर लोड बैलेंसर आएगा, और लोड बैलेंसर मैप होगा आपके डीएनएस से, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इंग्रेस कंट्रोलर यूज कर रहा हूं, अभी बताऊंगा उसके बेनिफिट्स क्या है, अगर मैं इंग्रेस कंट्रोलर को यूज कर रहा हूं, तो फिर ये जो लोड बैलेंसर है ये मैं हटा दूंगा और ये नोड पोर्ट में हटा दूंगा, ओनली क्लस्टर आईपी होगा, और ये जो लोड बैलेंसर है वो आ जाएगा इंग्रेस कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है। लोड बैलेंसर यहां से निकल के ऊपर आ जाएगा और नोड पोर्ट हट जाएगा। ठीक है, स्पेस कम है मेरे पास, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ठीक है, और लोड बैलेंसर इधर आ जाएगा और लोड बैलेंसर के ऊपर हो जाएगा आपका डीएनएस, ग्लोबल डीएनएस। क्या आ जाएगा? ग्लोबल डीएनएस। और ग्लोबल डीएनएस के ऊपर आ जाएगा आपका आपका अपना कोई एक्सटर्नल फायरवॉल। और उसके बाद आ जाएगा इंटरनेट। और उसके ऊपर आ जाएगा आपका यूजर्स। क्या आ जाएगा दोस्तों? यूजर्स, ठीक है। तो आप देखें, आपकी पहला लेयर क्या है, फर्स्ट लेयर
कंटेनर, सेकेंड लेयर आपका पीओडी पॉड, क्या है पीओडी पॉड, थर्ड रेप्लिका सेट, फोर्थ डिप्लॉयमेंट, फिफ्थ क्लस्टर आईपी, सिक्स नंबर नोड पोर्ट, सेवन में लोड बैलेंसर, इंग्रेस कंट्रोलर, फिर ये, फिर टेन, फिर इलेवन, ये 12 लेयर और ये 13। समझते हैं? अब आप अपनी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जाओगे तो एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो एप्लीकेशन कहाँ चल रही है दोस्तों? कंटेनर के अंदर। कंटेनर किसके अंदर है? पॉड के अंदर। ठीक है, पॉड क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है कुबरनेटीज की, जस्ट लाइक एक कंप्यूटर, क्योंकि तो इस पॉड का अपना सेपरेट लैन कार्ड होता है, सेपरेट इसका एक यूनिक होस्ट नेम होता है और उसके अंदर आप बहुत सारे कंटेनर रख सकते हो। ठीक है, अब पॉड के ऊपर रेप्लिका सेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि पॉड की जो हाई अवेलेबिलिटी है, पॉड की जो हाई अवेलेबिलिटी है, उस हाई अवेलेबिलिटी को जो मैनेज करता है, जो हाई अवेलेबिलिटी आपको पॉड से पॉड को मिलती है वो रेप्लिका सेट से, क्योंकि रेप्लिका सेट ही उसको कंट्रोल करता है। अगर मान लो आपने ओनली पॉड बनाया और आपने रेप्लिका सेट यूज नहीं किया तो क्या होगा? आपने रेप्लिका सेट यूज नहीं किया तो कल को ये पॉड अगर डाय होता है, ये पॉड अगर कल को डिलीट होता है किसी भी रीजन से, आप कर रहे हो या बाई मिस्टेक हो रहा हो, तो ये पॉड ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होगा। तो इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉड की हाई अवेलेबिलिटी को बना के रखने के लिए उसको रेप्लिका सेट पे डालते हैं। ठीक है, तो कल को मान लो आप पॉड की हाई अवेलेबिलिटी रेप्लिका सेट तो देख ही रहा है कि भाई ये पॉड चल रहा है, कल को ये डिलीट होगा तो इसकी जगह दूसरा पॉड क्रिएट कर देगा। कल को अगर आप इस पॉड की नंबर ऑफ कॉपी और लाना चाहते हो, लाइक स्केलिंग करना चाहते हो, स्केल अप स्केल डाउन, तो रेप्लिका सेट ही करता है। आप रेप्लिका सेट को ही जाके बताओगे कि भाई बैकएंड में एक पॉड चल रहा है, आप 10 पॉड ला के देते हो, या कल को आपने बोला 10 चल रहा है, 2 की जरूरत 2 ला के देते, ये तो मैनुअल स्केलिंग हो गया। कल को ऑटो स्केलिंग भी अगर आपको करना है तो आप रेप्लिका सेट ही उसको हैंडल करेगा, कि रेप्लिका सेट को जाके आपने कंडीशन बता दिया कि आपके अंदर जो करंट पॉड चल रहे हैं उनका सीपी यूटिलाइजेशन देखो, अगर सीपी यूटिलाइजेशन उनका 70% से ऊपर जाए तो आप पॉड की स्केलिंग करना स्टार्ट कर दो, और अगर 30% से नीचे आए तो स्केल डाउन करना स्टार्ट कर दो। तो ये सारी एक्टिविटीज रेप्लिका सेट से हो रही है। ठीक है, पूरी कंट्रोलिंग पॉड ध्यान रखना, तो रेप्लिका सेट मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब रेप्लिका सेट के ऊपर क्या लगा हुआ है? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है? कल को मान लो इस पॉड के अंदर एप्लीकेशन क्या चल रही है, 1.1 चल रही है। ठीक है, अब कल को अगर आपको एप्लीकेशन का वर्जन अपग्रेड करना है, क्या करना है? अपग्रेड करना है, तो जो अपग्रेडेशन की प्रोसेस है वो डिप्लॉयमेंट हैंडल करता है। अपग्रेड करना है, रोल आउट करना है, अंडू करना है, जो भी करना है वो सब क्या करता है? डिप्लॉयमेंट करता है। ठीक है, तो कैसे करता है डिप्लॉयमेंट? मान लो इस पॉड के अंदर जो कंटेनर, उसकी मेरी एंजिनिक्स 1.1 चल रही है और उसकी 10 कॉपी भी बनी हुई है पॉड की, जो रेप्लिका सेट हैंडल कर, लेकिन यार मेरा तो नया वर्जन आ गया, मैं चाहता हूँ कि यार इस रेप्लिका सेट के पीछे जो पॉड चल रहे हैं जिसके अंदर एंजिनिक्स का 1.1 है वो 1.3 हो जाए और 0 डाउन टाइम के साथ हो जाए, कैसे करूँ? तो वो चीज आप रेप्लिका सेट को आके नहीं बताओगे, रेप्लिका सेट को आप नहीं बोलोगे कि जाओ भाई आपके अंदर जो 10 पॉड चल रहे हैं उसकी ना वर्जन अपग्रेड कर दो, नहीं, आप किसको बताओगे? आप डिप्लॉयमेंट को बताओ। तो डिप्लॉयमेंट भाई साहब क्या करेंगे? फिर डिप्लॉयमेंट भाई साहब यहाँ पे क्या करते हैं, वो देखता है कि मेरा जो डिप्लॉयमेंट है उसके बैकएंड में कौन सा रेप्लिका सेट है, वो देखेगा मेरे बैकएंड में ये रेप्लिका सेट है, फिर ये देखेगा कि उस रेप्लिका सेट के अंदर जो पॉड्स हैं और उनके अंदर जो कंटेनर है उसके अंदर एप्लीकेशन का वर्जन क्या है, उसमें चेक कर लिया, अच्छा वर्जन 1.1 है। अब आप आओगे और डिप्लॉयमेंट को बोलोगे कि यार एक काम करो, आप वर्जन 1.3 कर दो, तो डिप्लॉयमेंट क्या करेगा? डिप्लॉयमेंट का काम है कि 0 डाउन टाइम के साथ आपको आपको नया वर्जन लगाना है।
तो डिप्लॉयमेंट क्या करता है, जैसे ये रेप्लिका सेट है उस साइड में कौन है नया रेप्लिका सेट बनाएगा, पता है? फिर वो क्या करेगा, वो देखेगा अच्छे नया रेप्लिका सेट बनाया, फिर उसके अंदर नए पॉड्स बनाएगा, उन नए पॉड्स के अंदर नए कंटेनर्स बनाएगा, क्या करेगा, नए पॉड्स के अंदर नए कंटेनर्स बनाएगा और उसके अंदर न्यू वर्जन की इमेज डिप्लॉय करेगा, एंजिनिक्स 1.3, राइट? और डिप्लॉय करेगा, और डिप्लॉय करने के बाद, ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट को बोलेगा, डिप्लॉयमेंट ने खुद बोला कि भाई नया एप्लीकेशन सेट बनाओ, उसके अंदर पॉड्स रखो नया वर्जन, जब वो कर लेगा सक्सेसफुल, तो अब डिप्लॉयमेंट क्या करता है, डिप्लॉयमेंट इसके साथ कनेक्शन बना देता है, इससे कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लेता है, इस रेप्लिका सेट से कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर लेगा, इसके साथ बना लेगा, क्योंकि इस पे नया वर्जन आ चुका है। और ऐसा नहीं कि पुराने वाले रेप्लिका सेट को टाएगा नहीं, पुराने वाले रेप्लिका सेट को रखेगा, क्योंकि कल को अगर आपको अंडू करना है तो जो भी रोलिंग अपडेट रोल आउट का काम है वो कौन करेगा, डिप्लॉयमेंट कर। और डिप्लॉयमेंट जब रोलिंग अपडेट रोल आउट करता है तो उसके ना पास ना बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है कि भाई ऐसे ही अपडेट मत कर दो, पहले आप इसके अंदर नया वर्जन का पॉड बनाओ, और जब नया वर्जन का एक पॉड सक्सेसफुल हो जाए तब इस वाले का कनेक्शन हटा दो, बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं, ठीक है, डिप्लॉयमेंट, समझ आ गई? तो जब भी नया वर्जन अपग्रेड करना तो इस तरीके से आप डिप्लॉयमेंट को बताते जाओ, डिप्लॉयमेंट नया एप्लीकेशन बनाता जाएगा, और जब उसके अंदर नया वर्जन सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा तो कनेक्शन उसके साथ बना लेगा, बाकियों के साथ हटा देगा, बाकियों को डिलीट नहीं करेगा, रखेगा, क्योंकि अगर आपको पुराना वर्जन पे जाना है तो आप रोल बैक कर सकते हैं। अब बात आती है क्लस्टर आईपी, क्लस्टर, अब देखो क्लस्टर आईपी का यूज किस, आपने बोला डिप्लॉयमेंट को कि भाई मेरे को नया वर्जन चाहिए, डिप्लॉयमेंट ने बोला रेप्लिका सेट को, और रेप्लिका सेट ने क्या बोला, पॉड्स बना दिए, अब हर पॉड्स की अलग अलग आईपी है, हर पॉड्स की भाई इसकी आईपी अलग होगी, इसकी आईपी अलग होगी, इसकी आईपी अलग होगी, इसकी आईपी अलग होगी, राइट? तो मान लो आपके यूजर्स जो हैं वो इस पॉड तक कैसे पहुंचे, या आपके यूजर इस पॉड तक कैसे पहुंचेंगे, या इवन आपके क्लस्टर के अंदर ऐसा ही एक और पॉड चल रहा है, वो एप्लीकेशन पॉड है, वो एप्लीकेशन के पॉड से, मान लो एक और आपके क्लस्टर के अंदर एक एप्लीकेशन का एक ऐसा पॉड चल रहा है जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर है, और ये जो पॉड्स हैं, ठीक है, ये मान लो आपकी डेटाबेस के पॉड, तो एप्लीकेशन वाला पॉड इस डेटाबेस के पॉड से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएं? अब पॉड, डेटाबेस पॉड तो बहुत सारे, राइट? इससे कनेक्शन बनाए या इससे, किससे बनाए? मान लो आपने चारों आईपी उसे दे दी, उसने चारों आईपी के साथ कनेक्शन बना लिया, लेकिन कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये पॉड डिलीट हो जाता है, और डिलीट होके रिक्रिएट हो जाता है, और रिक्रिएट तो हो गई क्योंकि रेप्लिका सेट लगा हुआ है, लेकिन रिक्रिएट होके उसकी आईपी सेम नहीं आती है, और सेम आएगी भी नहीं, क्योंकि एक बार कोई पॉड डिलीट हो जाता है तो जब वो वापस से रिक्रिएट तो हो जाएगा बट उसकी आईपी सेम नहीं आएगी, तो जब उसकी आईपी सेम नहीं आएगी तो आप क्या करोगे? तो मतलब फिर से आप एप्लीकेशन टीम को बोलोगे यार वो चार आईपी हटा दो, अभी चार की एंट्री कर दो, ये परफेक्ट नहीं। तो एक सिंगल एंड पॉइंट कनेक्शन के लिए, सिंगल एंड पॉइंट कनेक्शन के लिए, या पॉड की लोड बैलेंसर के लिए, पॉड के ऊपर अपना एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है कि भाई सिंगल एंड पॉइंट कनेक्शन बन दो, तो फिर आप क्लस्टर आईपी बनाते हो। तो जब आप क्लस्टर आईपी बनाते हो तो आपको ना एक कॉमन आईपी मिल जाती है, एक स्टैटिक आईपी मिल जाती है, और उस क्लस्टर आईपी के साथ देखता है कि वो क्लस्टर आईपी बनी किसकी, वो देखेगा क्लस्टर आईपी इस डिप्लॉयमेंट की है, तो देखेगा इस डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका सेट अभी कौन सा चालू है, उस रेप्लिका सेट के अंदर कितने पॉड्स हैं, उन सारे पॉड को अपने साथ कनेक्शन बना लेता है ये क्लस्टर आईपी इस तरीके। इस तरीके से कनेक्शन बना, ऐसे किसी भी पॉड से नहीं बना लेगा, वो देखेगा कि भाई आपने क्लस्टर आईपी बनाई है तो किस डिप्लॉयमेंट की बनाई है, उस डिप्लॉयमेंट के अंदर के पॉड को ही अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो फिर क्या कहता है कि अगर किसी को भी स्पॉट पे जाना है तो आप स्पॉट की आईपी को हिट मत मारो, आप क्लस्टर आईपी की आईपी को हिट मारो। तो जब आप क्लस्टर आईपी को हिट मारोगे तो क्लस्टर आईपी अपने बैकएंड में चारों पॉड की आईपी को इंटीग्रेट कर रखा है, अब वो राउंड रॉबिन में ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, अगर कोई पॉड हेल्दी नहीं तो ट्रैफिक नहीं देगा। तो जस्ट लाइक ये पॉड लेवल का एक लोड बैलेंसर की तरह काम कर रहा है, देखा जाए तो आपको भी समझ में आ गया। देर हो गया, ठीक है, क्लस्टर आईपी आपको मिल गई, एक यूनिक आईपी आपको मिल गई।
मान लो ये मिल गई, ये इस तरीके से आपको क्या मिल गई सर, क्लस्टर आईपी आपको मिल गई। अब आपको क्लस्टर आईपी तो मिल गई, लेकिन ये जो क्लस्टर आईपी ना, ये प्राइवेट आईपी है, पता है, ये आपके क्लस्टर के अंदर से ही एक्सेस होती है, क्लस्टर के बाहर से एक्सेस नहीं होती। जो क्लस्टर के अंदर ही अगर आपका कोई फ्रंट एंड सर्वर चल रहा है तो वो एक्सेस कर सकता है, कोई बैकएंड चल रहा है तो वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन बाहर से एक्सेस नहीं होगी क्योंकि ये प्राइवेट आईपी है। तो बाहर से जब एक्सेस की बात आती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नोड पोर्ट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, नोड पोर्ट क्रिएट करते हैं। तो जब हम लोग नोड पोर्ट क्रिएट करते हैं तो देखते हैं कि भाई ये सारी चीज जो बनी हो किस नोड पे बनी है, उस नोड की आईपी पे एक पोर्ट मैपिंग हो जाती है, और कहा जाता है कि आप उस नोड पे, फिजिकल नोड पे, चाहे वो नोड AWS पे, चाहे ऑन प्रमाइसिस में, चाहे जो भी, उस नोड की फिजिकल आईपी और उस पर्टिकुलर पोर्ट को हिट मारो तो नोड पोर्ट मैपिंग रहती है इस क्लस्टर आईपी से, और क्लस्टर आईपी से मैपिंग होती है आपकी पॉड, और पॉड के अंदर कंटेनर चल रहा है, तो फिर आप उस कंटेनर के अंदर चल रही एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर लो। समझ आ गई? बट नोड पोर्ट, आप देखो आपके क्लस्टर के अंदर मान लो चार नोड है ना, तो जब आपके क्लस्टर के अंदर चार नोड है तो आप क्या करोगे, चारों नोड की आईपी और पर्टिकुलर पोर्ट को ले जाओगे, और फिर आप एक लोड बैलेंसर क्रिएट करोगे, उस लोड बैलेंसर के अंदर ऐड कर लोगे, तो फिर एक सिंगल एंड पॉइंट, सिंगल एक एड्रेस मिल जाएगा लोड बैलेंसर में। तो फिर आप क्या करोगे, उस लोड बैलेंसर को हिट मारोगे, वो लोड बैलेंसर क्या करेगा, नोड की आईपी और उस पोर्ट को देगा ट्राफिक, चार नोड है तो एक बार एक को देगा, दूसरी बार दूसरे को, तीसरे को तीसरे को, क्योंकि लोड बैलेंसर ये नोड की लोड बैलेंसिंग कर रहा है। फिर नोड पोर्ट पे ट्रैफिक आ गई तो क्लस्टर आईपी को देगा, क्लस्टर आईपी फिर पॉड को देगा, पॉड कंटेनर को। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? ठीक है, लेकिन अगर मैंने बताया था कि नोड पोर्ट और ये लोड बैलेंसर आपके ऑप्शनल है, आप इनको हटा दो, अगर आप इनको हटा देते हो तो फिर आपके पास आ गया इंग्रेस कंट्रोलर। क्या आ गया, इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस कंट्रोलर क्या कर रहा है, इंग्रेस कंट्रोलर कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर लेवल का लोड बैलेंसर, सॉफ्टवेयर लेवल का लोड बैलेंसर बात कर। अब आप बोलोगे सॉफ्टवेयर लेवल की लोड बैलेंसर की जरूरत क्यों पड़ी जब ये लोड बैलेंसर था, तो ये ना फिजिकल लोड बैलेंसर है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपने बोला कि मैं अपने क्लस्टर के अंदर एक डिप्लॉयमेंट करने गया, ठीक है, उस डिप्लॉयमेंट मान लो मैंने डिप्लॉयमेंट करने गया और मैंने डिप्लॉयमेंट कर दी और उसकी मैंने क्लस्टर आईपी जनरेट कर दी, ठीक है, ये मेरा डिप्लॉयमेंट वन हो गया। अब इसको एक्सेस करना तो आप क्या, तो इसको एक्सेस करना तो आप क्या करते हो, नोड पोर्ट उसकी क्रिएट कर देते हो, तो नोड की आईपी और पर्टिकुलर पोर्ट के साथ मैपिंग हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, उस नोड पोर्ट को लेते हो आप। अब देखो नोड पोर्ट आपके क्लस्टर के अंदर चार नोड होंगे, चारों नोड की अपनी अलग अलग आईपी होगी और पोर्ट सेम होंगे, आप बोलोगे उसको हिट मारो, वो क्लस्टर आईपी के भेज देगा, क्लस्टर आईपी पोर्ट पे भेज देगा, लेकिन हर नोड की अलग अलग आईपी होगी। अब आपका कस्टमर किस आईपी को हिट मारेगा ये तो कोई कंफर्मेशन नहीं, तो कस्टमर को सिंगल एंड पॉइंट बनाने के लिए आपने क्या दिया, लोड बैलेंसर दे, तो लोड बैलेंसर की एक सिंगल आईपी आ गई और आपने बोला कस्टमर को सिंगल आईपी को हिट मारो। अब वो उस सिंगल आईपी को हिट मारता है, लोड बैलेंसर पे आती है, लोड बैलेंसर के पीछे चारों नोड की आईपी है, वो एक एक बार ट्रैफिक भेज देता है। अब किसी भी नोड पर ट्रैफिक जाए वो उसकी कनेक्टिविटी उस क्लस्टर आईपी दे दो, क्लस्टर आईपी पे आ जाएगी। लेकिन अगर इसी तरीके से आपके क्लस्टर के अंदर दूसरी डिप्लॉयमेंट करनी है, आप सेकंड डिप्लॉयमेंट है जो टोटली डिफरेंट है पहले वाले से, तो आप क्या करोगे, अब आप उसका भी रेप्लिका सेट बनाओगे, उसका भी डिप्लॉयमेंट बनाओगे, उसकी भी नई क्लस्टर आईपी बनाओगे। अब उसकी भी नई क्लस्टर आईपी आपने बना ली, अब उसको भी बाहर से एक्सेस करना तो क्या करोगे, तो फिर आप उसकी नोड पोर्ट बनाओगे। तो जब आप फिर से उसकी नोड पोर्ट बनाओगे तो अब वो पुराना नोड की आईपी तो सेम होगी नोड पोर्ट बनाते टाइम, लेकिन पोर्ट बदल जाएगा, वो पहला वाला पोर्ट काम नहीं करेगा, तो दूसरा पोर्ट आपने बना लिया। अब जब दूसरा पोर्ट आपने बना लिया तो फिर आपको फिर लोड बैलेंसर चाहिए, तो वो पुराना वाला लोड बैलेंसर जो पहले वाले के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, पहला नोड आईपी और नोड पोर्ट के साथ, अब वो दूसरे पोर्ट के साथ मैप नहीं होगा एक बार में किसी, तो फिर आपको दूसरे लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे समझ लो आप अपने क्लस्टर के अंदर जितनी भी डिप्लॉयमेंट करोगे ना, उसको इंडिविजुअल रखना चाहते हो तो उतनी डिप्लॉयमेंट के लिए उतने लोड बैलेंसर आपको लेने पड़ेंगे फिजिकल वाले, तो ये कॉस्टिंग बढ़ जाती है इंफ्रा में कि यार इतने सारे लोड बैलेंसर क्यों ले रहे हो, कोई ऐसा कंसेप्ट लाओ कि सिंगल लोड बैलेंसर भी सब काम हो जाए। तो फिर उसके बाद आया इंग्रेस कंट्रोलर, तो इंग्रेस कंट्रोलर क्या, एक सॉफ्टवेयर लेवल का लोड बैलेंसर है, क्या
सॉफ्टवेयर लेवल का लोड बैलेंसर। तो इंग्रेस कंट्रोलर में ऐसा होता है कि हम ये लोड बैलेंसर का कंसेप्ट यहाँ से हटा देते हैं, नोटपुट का कंसेप्ट हटा देते हैं, हम इंग्रेस कंट्रोलर के अंदर रूल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? रूल डाल देते हैं। किस टाइप का रूल डाल देते हैं? हमने इंग्रेस कंट्रोलर में रूल डाल दिया, जैसे कि मान लो हमारा डोमेन है, मेरा डोमेन है, ऐसे रूल डाल दिया star.tck.com। मैंने बोला कि इंग्रेस कंट्रोलर के ऊपर रूल डाल दिया कि star.tck.com, अगर आपके पास कोई भी ये यूआरएल लगा के आ रहा है tck.com और फ्रंट में कुछ भी लगा के आ रहा, जैसे मान लो ये वाली जो मेरी डिप्लॉयमेंट थी ये थी मान लो एचआर से रिलेटेड, तो मैंने इंग्रेस कंट्रोलर में रूल डाल दिया कि hr.tck.com अगर कोई लगा कर आए तो आपने इस क्लस्टर आईपी को भेज दो ट्रैफिक। मैंने बोला कि ऐसे ही मैंने एक और डिप्लॉयमेंट किया एडमिन के लिए, तो मैंने इंग्रेस कंट्रोल में रूल डाल दिया admin.tck.com कोई लगा के आया तो उसको, उसकी मैपिंग मैंने दूसरे क्लस्टर आईपी के साथ कर रखी है। मैंने बोला आप फिर आप उसको भेज दो ट्रैफिक। फिर मैंने बोला कि फाइनेंस की अलग डिप्लॉयमेंट कर रखी है। मैंने बोला अगर इंग्रेस कंट्रोलर पे रूल डाल दिया कि अगर finance.tck.com कोई लगा कर आया तो आप उसके क्लस्टर आईपी पर ट्रैफिक भेज दो। तो यहीं से सारी बैलेंसिंग हो रही है मेरी, ठीक है। फिर टॉप अप मैंने एक सिंगल लोड बैलेंसर ले लिया अपने क्लस्टर के अंदर। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, इंग्रेस कंट्रोलर यूज करने से मुझे बार बार लोड बैलेंसर लेना नहीं पड़ रहा, एक ही लोड बैलेंसर टॉप में रख लिया, उसी से मेरा काम हो जाता, तो कॉस्टिंग बच गई, इसलिए मार्केट में इंग्रेस कंट्रोलर आया, ठीक है। फिर वही है कि टॉप अप लोड बैलेंसर आ गया तो कोई भी बंदा बाहर से इस लोड बैलेंसर को हिट मारता है, ठीक है। उस लोड बैलेंसर की मैपिंग मैंने अपने डीएनएस के साथ कर रखी है। डीएनएस के साथ मैपिंग क्या कर रखी है कि भाई www.xyz.com मैपिंग कर रखी है, और फिर ये एक्सटर्नल फायरवॉल है क्योंकि वो ट्रैफिक इनके लिए है, और ये इंटरनेट है और ये यूजर है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट इस तरीके से काम करता है। तो आप समझ लो कि आप जो एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो आपकी एक्चुअल में चलती तो कंटेनर पे है, लेकिन यार किस तरीके से बनती है अगर कोई बाहर से ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, तो कल इसका प्रैक्टिकल करेंगे, आज थ्योरी कंसेप्ट यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल इसके कल की क्लास में इसके प्रैक्टिकल के साथ। बाय बाय।